मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब जनपद अमरोहा पुलिस की। थाना नौगावा सदात में 3 माह पहले हुए देवेंद्र हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। क्राइम ब्रांच और नौगावा सदात की संयुक्त पुलिस टीम ने कुख्यात बदमाश और सरगना को मधीपुर चौराहा थाना नौगावा सदात से कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि अभियुक्त के कब्जे से भारी संख्या में असलाह और कारतूस पुलिस ने बरामद किए हैं। वहीं संजीव पर 16 मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल ने बताया कि सराहनीय कार्य करने पर पुलिस टीम को 12,000 के इनाम से नवाजा जाएगा। क्राइम ब्रांच और नौगावा सदात की संयुक्त टीम ने 12,000 के कुख्यात इनामी बदमाश संजीव को गिरफ्तार कर लिया है। बताते हैं कि उस पर 16 मुकदमे विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं और वह पैसे लेकर हत्याएं भी किया करता था। इस बारे में हमने बात की पुलिस अधीक्षक सुभाष सिंह बघेल से, आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। 2 जनवरी को ग्राम अखा नगला थाना नौगावा सदात में देवेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या संजीव के द्वारा अपने साथियों के साथ कर दी गई थी और ये बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। इसमें 3 जो नामजद अभियुक्त थे वो पूर्व में गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं। संजीव एक अत्यंत ही कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व से 14 अभियोग हत्या और विभिन्न धाराओं के पंजीकृत हैं। मेरे द्वारा विशेष रूप से निर्देश दिए गए थे और विशेष टीमें बनाई गई थी। वर्तमान में इस अभियुक्त पर 12,000 रुपये का इनाम था। क्राइम ब्रांच अमरोहा और नौगावा सादात की पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर इस बदमाश की घेराबंदी की गई तो इसने पुलिस पार्टी पर जो जान से मारने की नीयत से फायर किया, लेकिन पुलिस दल के द्वारा साहस का परिचय देते हुए इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 32 बोर की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। हम लोग इसमें जितनी भी विवेचनात्मक कार्रवाई है उसको गहनतापूर्वक कर रहे हैं और इस अभियुक्त की गिरफ्तारी से क्षेत्र की जनता और बाकी सभी ने इसकी बहुत प्रशंसा किया है। हमारी कोशिश होगी कि अपराधी क्षेत्र में सिर उठा करके न चलें और उन पर जो है पुलिस का पूरा नियंत्रण हम स्थापित करके रखें। आगे ऐसी घटनाएं ना घटें इसके लिए आप अपने स्तर से क्या प्रयास करते हैं? हम जो भी विवाद आते हैं ग्रामों से या मोहल्लों से उनका हम चिन्हीकरण कराते हैं, उस पर सतर्क दृष्टि रखते हैं और हमारी कोशिश होगी पुनः इस प्रकार का कोई अपराधी क्षेत्र में न पनपे जिससे कि क्षेत्र की जनता को परेशानी हो। आज की गिरफ्तारी से काफ़ी लोगों ने सराहना की है और जो पुलिस दल है हमारा, जो क्राइम ब्रांच अमरोहा का और नौगावा सादात की पुलिस, इन्होंने अत्यंत ही सराहनीय कार्य किया है और इसके लिए इनको 12,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जा रहा है। संजीव एक अत्यंत ही कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर पूर्व से 14 अभियोग पंजीकृत हैं। 12,000 रुपये का इनामिया था। इसके द्वारा समीपवर्ती जनपदों के अलावा जनपद अमरोहा के 5-6 थानों में इसके विरुद्ध जो है विभिन्न धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। 2 जनवरी को इसने देवेंद्र की हत्या की थी और इसके पहले 6 साल पूर्व उसी के ब्रदर भाई की हत्या की थी। ये अत्यंत ही शातिर अपराधी है। इसके संबंध पेशेवर हत्यारों से हैं। इसकी गिरफ्तारी से इस प्रकार के अपराधों से क्षेत्र को काफ़ी मुक्ति मिलेगी और इस प्रकार के अपराधियों का संचरण जो है वो रुकेगा। ये हत्या के लिए कुछ भी कर सकता है और ये पेशेवर हत्यारा है और ये अत्यंत ही खूंखार अपराधी है। इसका संबंध जनपद के अपराधियों के अलावा बाहरी जनपद के अपराधियों से भी है। हम विवेचना के अंतर्गत सभी बिंदुओं को बारीकी से देख रहे हैं, उनका परीक्षण कर रहे हैं और हम इसमें जो है कठोर कार्रवाई करेंगे। कैमरा पर्सन मशकूर अमरोवी के साथ आशिकीन कुरैशी, जेपीएन 7।